हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर का बेसिक नॉलेज और टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर और उसमें स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज कैसे होता है। तो हम शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसे कि पहले हम ट्रांसफार्मर का बेसिक जानते हैं। जैसे कि ये मेरा प्राइमरी प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया। इसमें सबसे पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस वोल्टेज के कारण करंट फ्लो होता है प्राइमरी वाइंडिंग में। उस करंट फ्लो के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है जो कि मेरा कोर में फ्लो होता है, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, और सेकेंडरी वाइंडिंग में फिर फ्लक्स लिंकेज के कारण वोल्टेज इंड्यूज होता है, और वो वोल्टेज इंड्यूज के कारण करंट फ्लो होता है, जिसके कारण मेरा प्राइमरी से सेकेंडरी तक, प्राइमरी साइड से सेकेंडरी तक मेरा जो है इलेक्ट्रिकल इनर्जी से इलेक्ट्रिकल इनर्जी में पावर ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा टाइप का होता है। ऐसे ट्रांसफार्मर बहुत टाइप का होता है एप्लीकेशन के आधार पे, लेकिन हम मेनली रूप से जानेंगे। जैसे कि ये मेरा ट्रांसफार्मर है, ये इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या ज्यादा है, सेकेंडरी में टर्न की संख्या कम है। प्राइमरी में 10 है और सेकेंडरी में 5 है। इसको बोलेंगे 2:1 का रेशियो, टर्न रेशियो, जिसको हम चूंकि प्राइमरी में टर्न की संख्या ज्यादा है सेकेंडरी में कम है, इसलिए ये वोल्टेज डाउन करेगा। जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे और सेकेंडरी में मेरा टर्न की संख्या कम है, तो वोल्टेज कम आएगा सेकेंडरी साइड में, तो हम इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यदि दूसरा का बात करें तो प्राइमरी में 5 टर्न है और सेकेंडरी में 10 टर्न है, मतलब 5:10 मतलब हाफ का रेशियो हो गया। ये प्राइमरी से सेकेंडरी में डबल है, तो इसको बोलेंगे स्टेप अप, मतलब कम टर्न से ज्यादा टर्न में वोल्टेज जब जाएगा तो वोल्टेज मेरा अप हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और तीसरा का बात करें तो ये इसको बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न की संख्या सेम है, तो इसमें जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वही वोल्टेज सेकेंडरी में डेवलप होगा, इसलिए इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी किसी में हम वोल्टेज अप्लाई करके दूसरे साइड हम वोल्टेज ले सकते हैं। और ये मेनली रूप से सर्किट को अलग करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि यूपीएस हो गया, और फिर घर में अपना सर्किट को आइसोलेट करने के लिए इसको यूज करते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर को। तो और एक टाइप हम देख लेते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें 10 टर्न है और सेकेंडरी में 5 टर्न है, और इसमें जो है 5 टर्न में से 10 टर्न में से 5 टर्न में मेरा टेपिंग निकला हुआ है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, जैसे कि हम 500 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 10 टर्न के बीच में, तो 10 टर्न के बीच में यदि कर रहे हैं तो 50-50 वोल्ट जो है प्रत्येक टर्न मेरा लेगा, तो 50 50 वोल्टेज करके लेगा, तो ये मेरा सेकेंडरी में कितना है, सेकेंडरी में 5 टर्न है, तो ये जो है चूंकि 10:5 है, मतलब टर्न के रेशियो आधा है, तो हम जो पूरे टर्न पे अप्लाइड वोल्टेज देंगे वो मेरा वोल्टेज आधा होके आएगा। क्यों? क्योंकि टर्न की संख्या हाफ है, रेशियो में हाफ है, तो हाफ है, तो 50 वोल्टेज यदि प्रत्येक टर्न में है तो सब ये इसको 25 वोल्टेज इंड्यूस करके देगा, तो इसमें 250 वोल्टेज मेरा डेवलप होगा, क्योंकि ये स्टेप डाउन है और ये प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में टर्न की संख्या हाफ है, इसलिए इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, हाफ, ये 250 वोल्टेज डेवलप होगा। अब ये हम लेते हैं स्टेप अप। स्टेप अप में
जिसे कि 5 टर्न में हम 500 वोल्टेज दिया और इधर सेकेंडरी में डबल है, तो डबल है तो प्रत्येक टर्न कितना हुआ, प्रत्येक टर्न में मेरा 100 वोल्ट हुआ, तो 100 वोल्ट हुआ तो ये 100 वोल्ट मिलके इसको जो है प्रत्येक को वोल्टेज देगा। तो यहाँ पे प्राइमरी से सेकेंडरी में डबल है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज जो है डबल 1000 वोल्टेज इंड्यूज होगा। स्टेप अप है, इसलिए ये जितना टर्न रेशियो ज्यादा रहेगा, यदि डबल रहेगा तो वोल्टेज डबल इंड्यूज होगा। अब हम आइसोलेशन की बात करते हैं। आइसोलेशन में प्रत्येक टर्न में जितना वोल्टेज होगा सेम उतना ही ये इंड्यूज करेगा, इसलिए इसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ओनली ये स्टेप अप या डाउन नहीं करता है। अब हम लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में। इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, सपोज प्राइमरी का वोल्टेज कम या ज्यादा हो गया, तो उसको टर्न के रेशियो मतलब टेपिंग, ये इसको बोलते हैं वाइंडिंग का टेपिंग, टेपिंग को चेंज करके सेकेंडरी के वोल्टेज को मैनेज करते हैं। जैसे कि हम 500 वोल्टेज हम पूरे 10 टर्न के बीच में फुल वाइंडिंग में देते हैं, तो यहाँ पे पूरे में देंगे और ये पूरे में 10 टर्न है तो सेकेंडरी में 5 टर्न है, तो इसके रेशियो में ये हाफ है, तो यहाँ पे 250 वोल्टेज इंड्यूज होगा। जबकि हम टर्न की संख्या, सपोज हम ये जो कनेक्शन है ये इसके साथ कनेक्शन कर देंगे, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेपिंग है हम 500 वोल्टेज यहाँ पे ना देके पर टर्न यहाँ पे देंगे, तो पहले यदि फुल में देते थे तो 50 वोल्टेज प्रत्येक टर्न में आता था, जबकि हम अब इस कनेक्शन को इस लास्ट टेपिंग पे दे देंगे तो अब 500 वोल्टेज इस बस इतना ही वाइंडिंग में रहेगा, तो प्रत्येक टर्न में 100 वोल्टेज जाएगा, तो उसके रेशियो में ये इस रेशियो में टर्न का रेशियो इक्वल हो गया, 1:1 हो गया, तो जितना वोल्टेज हम अप्लाई किए हैं उतना वोल्टेज इंड्यूज हो जाएगा। और ये जो टेपिंग है हम प्राइमरी अधिकांश प्राइमरी में ही यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हाई वोल्टेज साइड है ये लो वोल्टेज साइड है, तो हाई वोल्टेज रहेगा तो करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, जिसके कारण कॉन्टेक्ट चेंज ओवर करने में स्पार्किंग नहीं होगा। अब हम यहाँ पे क्या होता है कि टर्न का रेशियो यदि हम बढ़ाते हैं तो प्रत्येक टर्न में जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो मेरा घट जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सेकेंडरी में वोल्टेज घटता है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में हम 500 वोल्टेज फुल वाइंडिंग में दिए थे, 10 टर्न के बीच दिए थे, तो ये जो 500 वोल्टेज हुआ टोटल टर्न में डिवाइड हुआ, जिसके कारण यहाँ पे 250 वोल्टेज इंड्यूज होगा। बट जैसे जैसे हम टर्न की संख्या कम करते जाएंगे पर टर्न जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो बढ़ते जाएगा, जब प्राइमरी का वोल्टेज बढ़ते जाएगा तो सेकेंडरी का भी वोल्टेज बढ़ते जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, इसलिए इंडस्ट्री में 10% 5% 2.5% 0.6% ऐसे करके टेपिंग परसेंटेज वाइज करते हैं, जिसके कारण यदि वोल्टेज अप या डाउन हो तो हम कॉन्टेक्ट को चेंज करके हम डिजायर वोल्टेज सेकेंडरी साइड में ले सकते हैं। और इसलिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर, जिसको हम ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। थैंक यू।